हेलो एवरीवन, माय सेल्फ यशस्वी व्यास, जूलॉजी फैकल्टी, रेजोनेंस। सो आज हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी कॉजेज एड्स। इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एड्स क्या होता है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक टाइप का क्रॉनिक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा सप्रेस कर देता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कॉज क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है जिसकी वजह से ये डिजीज़ कॉज होती है। तो वो है एचआईवी वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये हमारी बॉडी के उन्हीं सेल्स पर जाकर अटैक करता है जिनके पास में CD4 नाम का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैक्रोफेजेस। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो स्टेज नंबर 1, ये एचआईवी फर्स्टली हमारी बॉडी के मैक्रोफेज पर जाकर अटैक करता है, इसीलिए उसे एचआईवी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। देन ये अपना जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, या फिर जीनोम भी आप जिसको कह सकते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर वायरल डीएनए को फॉर्म करता है। किसकी मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से। जैसे ही वायरल डीएनए बनकर रेडी हो जाता है, ये अपने वायरल डीएनए को हमारे होस्ट डीएनए के साथ में इनकॉर्पोरेट करता है या फिर इंटीग्रेट करता है। अब ये जो इन्फेक्टेड सेल है कई सारे वायरल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। देन स्टेज नंबर 4, ये एचआईवी ने अपनी अच्छी खासी आर्मी तैयार कर ली है। अब ये अटैक करता है हमारी बॉडी के टी सेल्स पर जाकर, जिसको कि हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। ये जो टी सेल्स होती है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब इस पर क्या इफेक्ट होगा जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, तो हम आगे देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही इसने टी सेल्स पर जाकर अटैक किया, ये रेप्लिकेट करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, और ये जो वायरल प्रोगेनी बनकर तैयार हुई है, ये बाकी के टी सेल्स पे जाकर अटैक करते हैं। जैसे जैसे ये एचआईवी अटैक करता जाता है टी सेल्स पे, हमारी बॉडी के टी सेल्स का नंबर डिक्रीज होता जाता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे तरीके से डिक्रीज होती जाती है, या फिर आप कह सकते हैं वीक होती जाती है, जिसकी वजह से छोटा सा ही इन्फेक्शन हमें बहुत बड़ी दिक्कत दे जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है इन्फेक्शन ऑफ एचआईवी। सो थैंक यू सो मच।